की कर रही है तू? हट पीछे। खबरदार, खबरदार जो मेरे और मेरे घूंघट की तरफ कोई आया ना, तो मैं ना एक-एक को ना एक-एक जूती से मारूंगी। समझी? उल लगता है कोई पूछवार हो गया कुड़ी से। अमरिंदर पकड़ो इसको। जी बाबूजी। ए लड़की। खबरदार, खबरदार जो आगे आने की कोशिश की तो कहा ना पकड़ पकड़ के जूती से मारूंगी। सुनाई नहीं देता? चलो पीछे हटो। आ जा पुत्र। हाँ जा रहे हैं। ओए बेशरम कुड़ियों, तुम लोग को शर्म नहीं आती? पराए मर्दों के सामने घूंघट उठा के खड़ी हो? पता है अगर मेरे बाऊजी को पता चल गया ना कि मैंने पराए मर्दों के सामने घूंघट उठाया है, वो तो मेरी गर्दन ही काट देंगे। और फिर? और फिर? जी रहने दीजिए, लेकिन एक बिनती है हमारी आपसे। हम चाहते हैं कि हमारे संस्कारों की इज्जत की जाए, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। वो क्या है ना, बचपन से बाऊजी ने एक सीख दी है कि कुड़ी का घूंघट सबसे पहले उसका पति उठाता है, वो भी ब्याह के बाद। भाई वाह, ये बात तो तूने बड़ी अच्छी की। संस्कार अच्छे है चाची के, हैं? और कुड़िया एक बात बता, जब तेरे बाऊजी ने तेरे को इतना सिखाया है तो तू अपने साथ उनको लेके क्यों नहीं आई? अब जी वो क्या है ना, बाऊजी ने कहा कि पुत्र जा अजीता का झंडा लहरा के आ। अजीता का? ये कहाँ है? जी वो पंजाब में है। नाम तो कभी नहीं सुना। पंजाब में भी कई सारे लोगों ने जगतारिया का नाम नहीं सुना है। जी एक और विनती थी आपसे। वो क्या है ना, मैं यहाँ ये सुन के आई थी कि कुड़ियों के बीच में मुकाबला है, लेकिन ये मुंडे यहाँ क्या कर रहे हैं? जी कृपा करके इन्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए कह दीजिए, क्योंकि इनके सामने हम मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। और हाँ, ये जो सारी कुड़िया है ना, ये भी आपसे यही कहना चाहती हैं, लेकिन वो क्या है ना, आपसे डरती हैं। अच्छा भाई मुंडियो, चलो सब बाहर चलो। बाबूजी हमें भी यहीं पर रहना। बाबूजी बाबूजी क्या बात हुई, हम बाहर नहीं जाएंगे। ओए पुत्र, बात ये है कि ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है। इस बात का ख्याल तो हमें खुद ही कर लेना चाहिए था। चलो आ जाओ। चलो चलो चलो। ये क्यों इतना मुस्कुरा रही है? क्या हुआ बाबूजी? नहीं पुत्र, बात क्या है कि ये स्वयं वधु का मुकाबला है। हाँ? यहाँ पर किसी ना किसी को रहना पड़ेगा ना। मैं रुक जाता हूँ। इसलिए तुम नहीं नहीं तुम मुंडे लोग बाहर जाओ, मैं यहाँ पर बैठ के मुकाबला देखूंगा कि किसी के साथ कोई बेइंसाफी तो नहीं हो रही है। सब मुकाबला ठीक तो हो रहा है ना? नहीं बाबूजी। जाओ ना, मैंने कह दिया तो कह दिया, प्यार की बात नहीं समझते तुम लोग। हाँ कुड़ियो, अब मैं यहाँ पर बैठकर देखूंगा कि स्वयं वधु के मुकाबले में किसी के साथ ना इंसाफी ना हो। बोले 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 बोले। ओ पाजी वो देखो। किधर? ओ देव क्या हो रहा है? ओ वो पहन गए। ओ चलो पकड़ो इन्हें, गिरा इन्हें पाजी, मार मार सालों को। तेरी तो ओ जतिंदर लठ ले गया। हुन लाया वीरा, हुन लाया ले गया जल्दी। ओ छेती ला वीरा, लठ आ गई भाई ने। ओ गाड़ दे। बात ही भाग गया इन्हें, लगा जतिंदर इसको उठा के पटक दे साले को। वीरा भगा दिया। वीरे खिड़की। ओप्पा जी सही तरीका है अंदर झांकने का। मैं तो कहता हूँ आप लोग भी आ जाओ। मैंने भी देखना है, मैंने भी देखना है। मैं मनजीत। मैं सुरजीत। ते मैं सिमरन। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।
शंकर बोले, शंकर बोले। ये है जगतार भल्ला के तीन नग, और आज से शुरू हो रहा है मुकाबला चौथे नग को ढूंढने का। शंकर बोले, शंकर बोले। अब पहले आप कुड़ियां बताएंगी कि ये की है। पर कुड़ी वो जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर। भैंस? ये तो भैंस है। हाय वो भैंस आ गई, भैंस भागो। और जी भैंस आ गई, भागो यहाँ से, भागो, हमें भी मार डालेगी भैंस। ओए झल्ली, ये कोई भैंस नहीं है, ये तो काला अक्षर है का। कुड़िये तू तो गई। सबसे पहले तो कुड़ियों को अलग अलग निशान दिए जाएंगे, फिर पूरे मुकाबले के वक्त उसी निशान से आप लोगों को पहचाना जाएगा। घर, ये जी पेड़, ये फूल, ये गंडासा, ये है ना सही निशान। जो प्रीतों से आगे निकलेगा इसी गंडासे से गड़ दूंगी उसको। और घूंघट वाली बहन जी, ये आपके लिए दिल। यहाँ दिल जीतने आई थी बाबा जी, और आपने दिल का निशान भी दे दिया। थैंक यू। मुकाबले का सबसे पहला इम्तिहान ये है दूध से मक्खन निकालना। मक्खन तो हमारे पंजाब की पहचान है, हर पंजाबी की जान है। और कुड़ियों, जेड़ी कुड़ी मक्खन नहीं निकाल सकती है ना, वो जगतार भल्ला के घर की क्या, और पूरे पंजाब के किसी भी घर की बहू बनने के लायक नहीं है। ये है मेरी तीन बहुएं। मंजीत सबसे मीठा मक्खन निकालती है, सुरजीत सबसे तेज, और सिमरन सबसे काढ़ा मक्खन निकालती है। और अब तुम कुड़ियों में से कौन सी कुड़ी सबसे मीठा, सबसे गाढ़ा और फटाफट मक्खन निकालेगी, वो इस मुकाबले की विजेता होगी। मक्खन अंदर, मक्खन निकालने का मुकाबला हो रहा है। ओए ओए, मक्खन तो मंजीतो निकालती है, वो क्या मक्खन निकालती है वो। हाँ बाजी, वो तो है, पर पाजी मेरी सुरजीत है ना, वो भी बड़ा। मेरी सिमो जैसा मक्खन तो कोई निकाल ही नहीं सकता है जी। ओए, तो तू कहना चाहता परजाई गंदा मक्खन निकालती है। ओए छोटे, ओए तूने ऐसा कहा? पाजी मैंने ऐसा कब कहा? ओए, तो इस बात का क्या मतलब है कि तेरी सिमरन से अच्छा मक्खन कोई निकाल ही नहीं सकता है? पाजी इसका यही मतलब है कि सिमो है ना, सिमो मेरी बेस्ट है जी, बेस्ट। ऐसे नहीं होता है। ऐसे कैसे बेस्ट है जी? बेस्ट है जी, बेस्ट। ओए ऐसे कैसे, ऐसे नहीं होता है, ऐसे कैसे बेस्ट है? ओ पाजी प्लीज बहस करना बंद कीजिए, अंदर चलने का रास्ता सोचिए। और मैंने कहा छोटे शाओ सत्रिया काल नाबदुल के है। और मैं क्या गुरपाल चाचा, की हाल तड़के तड़के अत्ते के थे। ओ मैं क्या जी, अंदर दी कोई खबर? ओ कोई खबर नहीं है, पता ये चला कि सब लोगों से मक्खन निकालने को कहा है। ओ मक्खन तो फिर मेरी प्रीतो ही निकालेगी। सबसे तेज और सबसे ज्यादा नाबदुल के। ओ तेरी, ये खिड़की कैसे बंद हो गई? ओ पाजी अब क्या करें? ओ छोटे जी मेरे, ओ पत्थर लेके आ। अभी लाया जी। ओ मनिंदर तू ऊपर चढ़ और खिड़की में धक्का लगा, खुलती कि नहीं खुलती है। अभी लो पाजी। ओ छेदी कर। पाजी नहीं खुल रहे। मेरे पत्थर। ओ गधे, तू पहाड़ क्यों लेके आया है? वो छोटा पत्थर लाना था। अच्छा पहले कहना चाहिए तुम्हें। लो जी मेरा छोटा पत्थर। ओ परे हट यार, बिल्कुल गधा है तू यार, तू ही नीचे आ। ओ परे हट। ओ मैं बताता हूँ, वो भल्ला परिवार का नाम रोशन करना है ना, तो मेरी तरफ देखो। ओ मैं कैसे तोड़ता हूँ, ओ गौर से देखो।
और देखो और एक और दो और तीन कुड़िया मक्खन निकालेंगी और मैं समय देखूंगी और मैं स्वाद चखूंगी और मैं देखूंगी कि किसका मक्खन सबसे गाढ़ा है। What? Oh God, ये सपना सत्वंत की गलती है। इतनी सारी चीजें सिखाई, ये नहीं सिखा सकती थी। Oh damn, अब मैं क्या करूंगी? जी हो ही गया। मंजित पर जाई, ये चुड़ैल तो जरूर जीतेगी। इसके बापू ने ना बहुत तैयारी करके भेजी है इसे। मैं तो कहती हूँ कोई भी जीते, पर ये चुड़ैल प्रीतो ना जीते। वीरे, मैं तो उड़ता गिर गई। हाँ। एक, दो, तीन। ओए, ओए पत्थर किसे मारा? टूट गई जी। ओए कौन है खंजर? ओए बलविंदर, मलिंदर, जितेंद्र। बाबूजी को लग गया। ओए मर गए। बाबा जी को लगा। ओ बाबूजी ने लग गया। ओ साड़ा वैंड बच गया। ओ भागो। हाँ बाबूजी, ये क्या हो रहा है सब? कुछ नहीं बाबूजी। और कुछ नहीं था पुत्तर, शीशा किसने तोड़ा? बाबूजी छोटे ने। बाबूजी वो वीरे से नहीं टूट रहा था तो मैंने तोड़ दिया जी। चुप, खोते था पुत्तर। मैंने मना किया था कि अंदर कोई नहीं आएगा, फिर ये बाबूजी ये लोग अंदर नहीं आना चाह रहे थे। सब मेरी गलती है, मुझे ही अंदर आना था। तुझे अंदर आना था तो पहले इधर आ। और इधर आ। ये है मेरा सच्चा पुत्र। ये देखो इसे, ये सच्चाई बोलने में कभी नहीं घबराता है। और एकदम खैर छोड़ो, जो होना था वो हो गया। पहला मुकाबला खत्म हो गया, उसका नतीजा निकलने वाला है। तुम सब अंदर आ जाओ, दरवाजे के पीछे खड़े होके चुपके से देख लेना। हाँ जी, हाँ जी। और फिर वापस आ जाना, समझे? शाबाश, बच गए। चलो पुत्रो।
मक्खन तो मेरा ही सबसे बढ़िया निकलेगा, गंडा सा ही जीतेगा। बाऊजी ये रहा नतीजा। खोल लो पुत्र। ओए बोले 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 बोले। भाई कुड़ियों, इस मुकाबले का नतीजा मेरे हाथ में है और जीता है वो कटोरा। जीतने वाले कटोरे का निशान बताओ ना बाबूजी, टेंशन क्यों बढ़ा रहे हो? दिल है। जिस कुड़ी के पास दिल का निशान है वो जरा सामने आ जाए। जसमीत वो सोच की रही है, जा तू जो कर रही है अपने प्यार वास्ते कर रही है। हाँ समझी, चलो उठो। भाई वाह, जिंदी रह, मुबारक हो। ये पहला मुकाबला तो जीत गई है। ये जो तूने मक्खन निकाला है ना, अपने हाथों से मेरे बेटे विकी को खिला दो। ठीक है पुत्र, तू घूंघट मत उड़ा, चल दे। कमाल हो गया, इसने तो सीधा विकी को बचा लिया। अब जो कुड़िया मुकाबले से बाहर हो चुकी है वो है खरगोश, जूती, मछली, फूल और साइकिल। अब जो कुड़िया बच गई हैं, मुकाबला उनके बीच होना है। और मेरी प्रीतों के यादों का बनाया हुआ मक्खन खा रहे हो नाबदोल के शाह जी है। हाँ, लो तुम भी खा लो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओ मक्खना मैं तेन चखना। ओए तेरे दी, ओ ये मक्खन तो मेरी प्रीतों के हाथ का बनाया हुआ नहीं लगता। आपकी गंडासा वाली प्रीतो हमारी घूंघट वाली दिलवाली से हार गई जी। कमाल है यार। एंजी, दो दिन हो गए हैं जसमीत को गए हुए, कोई फोन भी नहीं आया, बहुत टेंशन हो रही है एंजी। यू कॉल सर, दैट्स अ गुड आइडिया एंजी। अब ना अगला मुकाबला शुरू होने वाला है, सारी कुड़ियां तैयार हो जाएं, ठीक है? पिछले मुकाबले के विजेता आगे आए और पांच कुड़ियां होर। मुकाबला ये है कि ओए हमारे घर में ये अंग्रेजी गाना कहां से आ गया? काट दिया, दोबारा ट्राई करता हूं। ये तो रिंगटोन है। ओ पाजी किसी का फोन बज रहा है। वो जगतार के घर में फिरंगी गाना। ये फिरंगी गाना किसका बज रहा है? ये फरंगड़ कौन है यहाँ पर जो फरंगी गाना लाई है?